गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हमने उस चैप्टर में पढ़ा था स्नेक फार्मर्स स्टोरी में, उसमें हमने देखा कि किस तरह से आर्यनाथ उसके दादाजी और आर्यनाथ मिलके किस तरह से सांपों का खेल दिखाया करते थे और वो लोगों की मदद भी किया करते थे। अगर किसी के घर में सांप निकला तो उसको वो पकड़ते थे और फिर उन्हीं सांपों से वो खेल दिखा के अपनी रोज़ी रोटी वो पूरी करते। और उनका खेल ख़त्म होने के बाद भी कुछ लोग वहीं पर रुका करते थे ताकि उनके पास जो भी मेडिसिन है जो वो फॉरेस्ट से लेकर आए थे वो मेडिसिन वो ले सके। तो हमने ये भी देखा था कि जब भी किसी को सांप काट लेता तो आर्यनाथ या फिर उसके दादाजी को फौरन बुला लिया जाता था, तो वो लोगों की हेल्प करते, मेडिसिन देते। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था कि उनको वहाँ तक पहुँचने में काफ़ी देर हो जाती थी और तब तक लोगों की जान चली जाती, ऐसा भी उनके साथ हो चुका था। तो कल हमें आर्यनाथ ने एक बात बताई थी कि मैं पहचान लेता था कि लोगों को कौन सा सांप काटा है। ये उसने हमें एक बात बताई कि वो सांप काट के चले जाने के बाद भी पहचान सकता था कि उसे किस सांप ने काटा है, वो सांप जहरीला था या जहरीला नहीं था, ये आर्यनाथ जानता था। कैसे वो जानता था, चलिए आज हम वही देखने जा रहे हैं कि सांप जहरीला है या सांप जहरीला नहीं है, ये हम कैसे पहचानें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत में 4 सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रजातियां सांपों की पाई जाती है, जो कि पॉइजनस है, वेनमस स्नेक्स, और कुछ स्नेक्स ऐसे हैं, ज़्यादातर स्नेक्स नॉन वेनमस है, मतलब उनके काटने से उतना हमको नुकसान नहीं हो सकता जितना कि हम उसको डर के खुद को नुकसान पहुँचा लेते हैं। तो चलिए अभी हम वही देखेंगे कि कौन सा सांप जहरीला होता है और कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने आपको एक सांप दिखाया था, हाँ वो सांप डमी था, तो आज भी मैं उसे ले आया हूँ। तो समझिए ये सांप है, समझना क्या है ही ये सांप, ठीक है। अब ये सांप ऐसे जा रहा हो और आपने सांप सामने है तो वो खुद होके आप पे बिल्कुल भी वार नहीं करेगा, वो कभी आप पे खुद से वार नहीं करेगा। वो कब आपको नुकसान पहुंचाएगा, जब आप उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे, मतलब आप उसके सामने ऐसा अटैकिंग मोड में चले जाओगे या फिर गलती से उस पे पैर रख दोगे या उसे मारने की कोशिश करोगे, तो ऐसे वक्त में अपनी जान बचाने के लिए आपको काट सकते हैं। तो काटने के बाद हमें डरना नहीं है, हमें सबसे पहले देखना है कि उसका जो बाइट है वो किस किस्म का है, ठीक है। चलिए एक डेमो आपको दिखा दें कि अभी ये सांप है और मान लीजिए मेरा हाथ इसके सामने आ गया तो इसने मुझे इधर काट लिया, काट लिया इसने मुझे, ठीक है। जैसे ही वो काटेगा यहाँ पर अपने एक निशान छोड़ जाएगा ये इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप निशान देखोगे डॉट 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 तो ये है एक जहरीले सांप की निशानी। क्यों जहरीला सांप की निशानी है, क्योंकि अगर आप इसको पास से देखोगे तो इसके फैंग्स है और साइड में इसके दांत भी है छोटे 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 छोटे, ठीक है। तो जब वो आपको एकदम फुर्सत में काटेगा तब इसके ये जो छोटे छोटे दांत आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी आपके शरीर में धस जाएंगे और उसके भी निशान आपको देखने मिल सकते हैं। तो अगर इस तरह से निशान है तो समझ लीजिए कि ये पॉइजनस स्नेक है, और अगर सांप ने उसी तरह काटा है, इसी तरह काट लिया, लेकिन इसके जो निशान है ये दो लाइंस में अगर दिख रहे हैं इस तरह से दो लाइंस में, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दो लाइन में है मतलब कि वो सांप जहरीला बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए इसी के बारे में हम थोड़ा और डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, ठीक है। मैंने एक पेज पर इसके एक खास आपके लिए बनाया है जिससे आप इसको समझ सकेंगे। ये देखिए, अगर सांप पॉइजनस है तो वो दिखेगा इस तरह से वी शेप में, इसकी सूरत, इसकी जो हेड है इस तरह से बना हुआ होगा, देखते ही आप पहचान सकोगे कि ये पॉइजनस स्नेक है। और इसके जो दांत है इस तरह से, जो बड़े बड़े दांत है
अंदर की तरफ से दिखाई देंगे ख़ास तौर पे, और जब ये काटेगा तब इस तरह से आपके निशान दिखाई दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको इसी तरह से निशान दिखाई दे, कभी कभी वो आपको बड़ी जल्दी में अगर काट ले, समझिए उसको फुर्सत नहीं है, वो बस काट के आपको भागना चाहता है, तो हो सकता है कि कोई एक इस तरह से आपको निशान दे जाए। वो अगर एक ही दांत लग गया हो सकता है सिर्फ दो ही निशान आ जाए और बाकी के जो छोटे छोटे दांतों के निशान ही ना आए, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसे वक्त में आपको अगर सांप काट लेता है तो आपके शरीर के उस हिस्से में स्वेलिंग आ जाती है और आपके जो स्किन का कलर है वो भी बदल जाता है, ठीक है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि मुझे वेनमस स्नेक ने काटा है, ओके। और इसको तो आप देख के ही पहचान सकते हैं, ये वी शेप टाइप में दिखेगा और इसके ऐसे ऐसे निशान या फिर हो सकता है सिंगल सिंगल, ठीक है। अब हम बात करेंगे नॉन वेनमस स्नेक्स। अगर नॉन वेनमस स्नेक्स आपको काट ले तो सबसे पहले उसको देखेंगे कि इसकी जो ये हेड है ये इसमें बिल्कुल भी वी जैसा बना हुआ नहीं है, एकदम नॉर्मल सा बना हुआ है, ठीक है। और इसके दांत भी इतने बारीक 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 बने हुए हैं, जो बड़े दांत से ज़्यादा उसके बारीक बारीक दांत बहुत ज़्यादा है, ताकि वो अपने शिकार को आसानी से खा सके, उसे निगल सके, ठीक है, इसके लिए बने होते हैं। तो जब ये आपको काटता है तो इस तरह से दो लाइन्स में आपको निशान दिखाई दे सकते हैं। तो ये हो गया नॉन पॉइजनस स्नेक के साइंस कि हम आप इसको कैसे पहचाने कि ये पॉइजनस है भी या नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ हमको ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि चाहे स्नेक पॉइजनस हो या नॉन पॉइजनस हो, हमें पूरा प्रिकॉशन लेना चाहिए, किसी भी स्नेक्स को हल्के में नहीं लेंगे। और इन्वायरमेंट स्टडीज़ का मोटिव ये होता है कि हमें इन्वायरमेंट के लिए खुद को बनाना है, उसको हार्म नहीं पहुंचाना है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि कैसे पॉइजनस स्नेक्स को पहचाने और नॉन पॉइजनस स्नेक्स को, ठीक है। थैंक यू।